क्योंकि हम खुशियाँ बांटते हैं और आगे भी खुशियाँ बांटते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन एसडीके। सौरभ पेट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे पास अलेक्जेंडर पैरेट का बच्चा है, बहुत ही छोटा सा बेबी है, अभी ये 25 दिन का बच्चा है। इतने छोटे से ही इनको पाला जाता है क्योंकि ये अपने ओनर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हो जाए। और आप देखिए अभी ये 25 दिन का बच्चा है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी इसके पर भी नहीं आए। अच्छा, इनकी पहचान क्या होती है ये आप देखिए, लाल लाल से आपको ये फेदर दिख रहे होंगे रेड कलर के, ये देखिए आप, ये इसके पंख आना अभी शुरू हुए हैं। ये जो आप रेड रेड हिस्सा देख रहे हैं ये फेदर है इसके, जो ये पूरे बड़े होके धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा है, देखिए अभी एकदम पूरा मांस ही दिख रहा है। ये देखिए इसने अपने पंख फैलाए ऐसे, अभी हम इसको यहाँ बैठाते हैं। ये जो बर्ड है बेसिकली ये नॉर्मल पैरेट से 4 से 5 गुना बड़े हो जाते हैं, इनको अलेक्जेंडर पैरेट कहा जाता है। आपको ये वीडियो में देखने में छोटा लग रहा होगा बट एक्चुअल में इसकी जो साइज है, अभी जो नॉर्मल पैरेट होते हैं अपने इंडियन पैरेट, ये पूरा अभी उतना बड़ा है बच्चा। अब आप सोचिए ये पूरा बड़ा होगा तो लगभग इतना बड़ा आता है, मतलब एक काफी बड़ा हो जाता है, लगभग 1.5 फीट के आसपास इसकी साइज हो जाती है, इतना बड़ा हेड हो जाता है। और ये 100% बोलता है, ये बोलने वाला पैरेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने में ही मिलेगा। आगे आ जाइए, 11 महीने इनकी ब्रीडिंग नहीं होती, ये दिसंबर में अंडे से निकलते हैं।
हे गाइस, हमारे पास आज बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट से रैबिट किड्स आए हुए हैं। व्हाइट तो सबको बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, बट आज हमारे पास नए कलर भी हैं। ये देखिए, ब्लैक रैबिट है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो दीज आर वेरी क्यूट लिटिल रैबिट किड्स, ये देखो आप। अच्छा, मैं आपको एक बहुत खास बात बताऊं कि इन लोगों को खाने पीने में क्या क्या देना चाहिए। आप इनको साग के पत्ते दे सकते हैं, गोभी के पत्ते दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, फिर दूध रोटी दे सकते हैं, सूखी रोटी भी दे सकते हैं। बिस्किट नहीं दें, बिस्किट देने से इनके हेयर फॉल होते हैं। आप इनको चावल दे सकते हैं, गरम गरम चावल, ठंड में थोड़े से गुनगुने गुनगुने चावल दीजिए। और इनको पकड़ने का सही तरीका क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली इनको पकड़ने का सही तरीका है ये, इनके दोनों कानों को ऐसे पकड़ दे, इससे इनको कोई भी पेन या तकलीफ नहीं होता। नहीं, तो ये रैबिट हैंडलिंग का एक तरीका है, ये कहीं से भी एनिमल अब्यूजिंग नहीं है। मैं इनको कोई हर्ट नहीं कर रहा। आप देखिए, इस छोटे से बच्चे को भी मैं कान पकड़ के उठाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको बस छूटना है इसलिए ये हिल रहा है, बट इसको कोई दर्द नहीं हो रहा। ऊपर वाले ने, ठीक है, ये लंबे कान इसीलिए इनको दिए हुए हैं। अगर आपको रैबिट्स को हैंडल करना है, या एक जगह से दूसरे जगह पे निकालना है, या एक केज से दूसरे केज में करना है, या इनको शिफ्ट करना है, तो कान पकड़ के उठाने का तरीका सबसे अच्छा होता है। बाकी आप इनको ऐसे हाथ पे लें, ये बहुत प्यारे होते हैं।